start to throw a bone. I'm preparing. करते रहते हैं हमारे पास में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती रहती है. मैंने भी आप लोगों की तरह एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था, मतलब मैंने भी सीखा था, कोर्स किया था आप लोगों की तरह ही. जैसे आप लोगों ने मेकअप के कोर्स किए रखे वैसे मैंने हेयर का कोर्स किया था. खूब मजा इस टाइम के अंदर में आने लगेगा. और फ्यूचर गोल्स होते हैं, जैसे सबके अपने अपने अलग अलग गोल्स होते हैं. कुछ का गोल्स होता है कि हमें सलून सेटअप करना है अपना इन फ्यूचर के लिए. कुछ का गोल्स होता है कि हमें जॉब करनी है, जॉब के लिए करना है. कुछ का गोल्स होता है कि हमें फ्रीलांसिंग. इसके बाद लगा दीजिए, इसको कॉम को रखेंगे ईयर से 2 से 3 फिंगर ऊपर. ईयर से 2 से 3 फिंगर ऊपर रखने के बाद एकदम सीधा हम सेक्शन को निकाल और इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से. एकदम स्ट्रेट लाइन निकाली मैंने यहां से स्टार्ट करके अदर. ये मैंने फर्स्ट पार्ट निकाला, अगेन इसको होल्ड करेंगे. सेकेंड पार्ट अभी मेरे पास में बीच में एक पार्ट जो है वो बच जाता है बालों को होल्ड करने के बाद. ठीक है, ये मैंने सेक्शन इधर होल्ड कर लिया. अभी मेरे पास में बीच में एक पार्ट बच गया है. बालों को एक जगह पे इकट्ठा करते हुए कुछ इस तरह से. ठीक है, फिर से देन प्रेस. इससे क्या हो रहा है, बालों में एक टेक्सचर क्रिएट हो रहा है, रफ हो रहा है बाल. ये क्या करेगा, ये एज अ बेस काम करेगा. इसके ऊपर में जब हम बालों को टक करेंगे तो ये बालों को सपोर्ट देगा. अगर मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ
ये भी बालों में एज अ स्पोर्ट पैटर्न जो है वो होल्ड करने के बाद इसको होल्ड करो, इसको ऊपर लेके जाएंगे 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। 90 डिग्री के ऊपर ले जाने के बाद इसमें हम बैक कॉम करेंगे जैसे हमने नीचे की थी सेम पैटर्न के साथ में बैक कॉम। इससे क्या होता है, बैक कॉम करने से वॉल्यूम आता है बालों के अंदर में, तो जहाँ पे भी आपको वॉल्यूम की नीड है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बैक कॉम का यूज़ कर सकते हो। अगेन इस पर ले गए, इस पर में मतलब स्कैल्प के नियर बाई आपको सिर्फ बैक कॉम को यूज करना है। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, स्टिक नहीं होगा, तब भी रुक जाएगा बट नहीं होगा। क्लीन करेंगे, नीचे तक के बाल, एंड तक के बाल अच्छे से डिटेंगल होने चाहिए। अच्छे से क्लीन करेगी अंटिल आपको ऐसा नहीं लगता कि एकदम शाइनी पफ हो चुका है, बैक कॉम एकदम से क्लीन हो चुकी है। मैं रुक गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगेन होल्ड देन पुल, स्प्रे करते हो जाएगी और इनको मैं डायरेक्शनल लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायगनल कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, सिंपल इसको नॉर्मली पीछे, तो इसमें कोई लाइंस वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करना आपको, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर आ जाएगा और रूट रूट के पास में आपको मिल जाएगा। रोटेट करेंगे थोड़ा सा फेस के अकॉर्डिंग, जितना फेस पे सूट कर रहा है। होल्ड देन पुल, छोटे वाला जो बाल था उसको भी मैंने वैक्यूम करने के बाद इस सेक्शन को मुझे स्प्रेड करना है।
इसे होल्ड करेंगे और इसे फैलाएंगे नीचे की तरफ कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने क्या किया, उसको लिया सेक्शन को नीचे की तरफ में स्प्रेड कर दिया, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। अगेन कॉल इतने में इतने थोड़ी देर में गैप की। तो इसका जो शेप आ रहा होता है वो वैसे ही शेप आ रहा होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे करके एक बी पैटर्न के लिए होता है, तो इसको उसी से इंस्पायर होकर बनाया गया पैटर्न को मर्मेड जैसा है। अब यहाँ हम इसको एकदम बी कर देंगे तो उसके साथ में तो ऊपर से ऐसे डॉट और नीचे आते आते एक बी पैटर्न बन सकते। विद क्रिस्टल एंड बीट्स, अब इसमें से हम एक एक स्टिक्स को आराम आराम से हटा देंगे, स्टिक्स इतने टाइम के अंदर में बाद में। स्टाइलिंग्स के साथ में हम बहुत सारे क्रिएशंस करते हैं, जैसे ब्रेड्स पैटर्न्स भी होते हैं, तो बहुत सारी स्टाइलिंग्स होती है हम क्रिएट करते हैं। तो ये स्टाइलिंग्स आप लोगों को मेकअप के साथ में मिली भी होती है, तो इससे एक आपकी हेल्प होगी किस तरह के पैटर्न आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और स्टाइलिंग से पूरा रूप चेंज डिजाइन में कर सकते हैं। Stone, talk to throw a bone.